कैंट पुलिस ने एक शातिर अपराधी को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने पकड़े गए अपराधी के कब्जे से जालसाजी किए गए 28,600 नगद धनराशि भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान हैदर अली पुत्र सखावत अली निवासी सोहरवलिया कला पुरंदरपुर महाराजगंज के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि पकड़े गए अपराधी के ऊपर कोतवाली थाने में जालसाजी का मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और 28,600 नगद धनराशि भी बरामद की। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना कैंट प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय, उप निरीक्षक सुरेश कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल परमात्मा और कांस्टेबल मोहम्मद परवीर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, कैंट पुलिस द्वारा आज चौकी इंचार्ज कलेक्टर द्वारा एक टप्पेबाज को गिरफ्तार किया गया है। अभी कुछ दिवस पूर्व एक कोतवाली क्षेत्र में इसमें टप्पेबाजी की थी, जिसमें इसने 40,000 रुपये की ठगी की थी। उसी में से लगभग 27,500 रुपये भी बरामद किए गए हैं और एक अवैध शस्त्र भी इसके पास से बरामद किया गया है। जिस व्यक्ति से टप्पेबाजी हुई थी उस व्यक्ति द्वारा इसकी पहचान भी कर ली गई है और आज इसको गिरफ्तार करके थाना कैंट से जेल भेजा जा रहा है। साथ ही कोतवाली पुलिस द्वारा इसको रिमांड पर लेकर अग्रिम पूछताछ भी की जाएगी। सर, पूछताछ में और भी कुछ पता चल पाया कि किसी और व्यक्ति के साथ कितने लोगों के साथ ये ठगी कर चुका था? निश्चित रूप से ऐसे टप्पेबाजों का गैंग का खुलासा कई बार कैंट पुलिस द्वारा किया जा चुका है। ये काफ़ी बड़ा गैंग है, 17-18 लोगों का गैंग है, पहले भी बताया गया है। उसमें से अब अधिकतर सदस्य जेल के अंदर हैं। कुछ सदस्यों के बारे में और पता चला है, उनके खिलाफ भी पहचान की जा रही है। शीघ्र ही उनको भी खिलाफ भी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। सर, इसकी पहचान भी कराई गई है? निश्चित रूप से जिस व्यक्ति साथ टप्पेबाजी हुई थी, जब वो सूचना देने आया था तो उससे पहचान भी कराई गई, जिसमें उसने पहचाना भी, शिनाख्त भी की कि हाँ, ये वही व्यक्ति था जिसने उसको कागज के टुकड़े देकर उससे पैसे लिए गए थे। उन पैसों की भी लगभग 70% पैसों की भी बरामदगी इसके द्वारा की गई है।